हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम मेंसुरेशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो इस तरह से द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 13 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 9.5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो क्वेश्चन में कहा है कि एक ट्रेपेजियम है जिसकी पैरेलल साइड्स जो हैं उनकी लेंथ है 13 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 9.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया कितना होगा ये फाइंड करना है, ठीक है। अगर फिगर से समझे तो सपोज ये है हमारा एक ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ये और ये इसकी पैरेलल साइड्स हैं। तो एक दे रखी है आपको 13 सेंटीमीटर, ये जो पैरेलल साइड है, और दूसरी पैरेलल साइड है 25 सेंटीमीटर, और कहा इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये और ये इसके बीच का डिस्टेंस, ये जो पैरेलल साइड्स हैं, ये दे रखा है 9.5 सेंटीमीटर। तो कहते हैं इसका एरिया आप फाइंड करिए, क्लियर। तो यहां पर ये जो पैरेलल साइड्स हैं, ये हम एक को मानते हैं B1, एक को मान लेते हैं B2, और जो डिस्टेंस होता है इसके बीच का, ये होता है इसका हाइट, ठीक है। तो B1, B2 और H, यही हमें फॉर्मूला में देखने को मिलते हैं। इनकी वैल्यूज रखेंगे और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करेंगे सॉल्यूशन में। इन ट्रेपेजियम बेस वन जिसे B1 से डिनोट किया गया, बेस वन कितना है 13 सेंटीमीटर, बेस टू यानी B2 कितना है 25 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट दे रखी है, हाइट जिसे एच बताएंगे, तो एच है 9.5 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे इसका एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू B1 प्लस B2 इंटू एच, ठीक है। सारी वैल्यूज रख देते हैं, ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस वन है 13 प्लस बेस टू इज 25 ब्रैकेट और इंटू हाइट जो है इनके बीच में 9.5, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर लग जाएगा यूनिट पर। ये हो जाएगा 1/2 इंटू, और इन दोनों को हम प्लस कर दें तो ये हो जाता है 38 इंटू 9.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इससे इसे कैंसिल कर दीजिए तो 2 1 जो 2, दिस इज 19 टाइम, तो ये हो गया हमारा 19 इंटू 9.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 19 5 जो 95, ये 5 और 9 कैरी, 19 9 जो 171 एंड दैट 9 यानी 80, तो 805 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट भी लग जाएगा, तो 80.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।